हिंदुस्तान के प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास द्वारा उत्तर प्रदेश के कांग्रेस सचिव सचिन चौधरी पर भू माफिया लिखकर ट्वीट करना भारी पड़ गया। सचिन चौधरी ने कवि कुमार विश्वास पर 2 करोड़ का मानहानि का दावा किया है। कांग्रेस प्रदेश सचिव सचिन चौधरी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि अप्रैल 2020 में कुमार विश्वास ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर सचिन चौधरी के लिए लिखा था कि कांग्रेस ने एक भू माफिया को प्रदेश सचिव बनाया है, जिसका पता उन्हें अपने परिचितों से लगा, जिस ट्वीट के कारण उन्हें काफी मानसिक व आर्थिक क्षति पहुंची है। काफी समय से उनका ट्विटर हैंडल ब्लॉक था, इसलिए वे कार्यवाही नहीं कर पाए। अब 1 साल बाद उन्होंने दिल्ली न्यायालय में 2 करोड़ की मानहानि का वाद दायर किया है और कुमार विश्वास को नोटिस अपने अधिवक्ता द्वारा भेजा है। उनका कहना है कि जब तक कोई न्यायालय या प्रशासन किसी व्यक्ति को भू माफिया घोषित न करे, तब तक किसी व्यक्ति को ऐसे शब्दों से बोलना अपराध कहलाता है। इसलिए उन्होंने कवि कुमार विश्वास के खिलाफ मानहानि का वाद दायर किया है। जी सचिन जी, कुछ कहना चाहते हैं? क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं? आज हमने आपको इसलिए यहाँ पे आमंत्रित किया है, जब हम जेल में थे 1 साल पहले, तो कुमार विश्वास ने अपने वेरीफाइड हैंडल से हमारे बारे में आपत्तिजनक बातें कहीं, जो इनका खुद का अकाउंट है, जिसमें हमें भू माफिया और बहुत सारी बातें कही गई। इसी के लिए हमने उन्हें डेफिमेशन का नोटिस भेजा है 2 करोड़ रुपए का, जो दिल्ली हाई कोर्ट से हमने जारी कराया है, जो उनको रिसीव भी हो गया है। ये उनका ट्वीट है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आप इसे सेव भी कर लें, पता लगा कल को ये इस ट्वीट को डिलीट करके भाग जाएं। इसे प्ले कर दीजिए एक बार, क्या है ये? प्ले ही है ऑलरेडी ट्वीट। आवाज नहीं आ रही ना? नहीं, ट्वीट में ये इनका लिखा हुआ है, वीडियो जस्ट एक चैनल की है, ये तो विजुअल चल रहे हैं। ऊपर इन्होंने अपने आप को लिखा है, जिसमें भू माफिया शब्द कहा है। भू माफिया, ना तो हम कोई ज़मीनों का काम करते, ना ही माननीय न्यायालय द्वारा हम किसी भू माफिया की सूची में आते हैं। हमें बड़ी मानहानि हुई है इस बात को सुनकर। एक व्यक्ति अपनी इज्जत बनाने में अरसा लगा देता है, और इस तरह के जो लोग हैं सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में, इनका काम वगैरह सब बंद हो गया है लॉकडाउन की वजह से। अब इन्हें कोई कविता के लिए बुलाता तो है नहीं, तो ये हम जैसे लोगों पर बात करके अपनी लोकप्रियता को बढ़ाना चाहते हैं। खुद के काम के बारे में अपनी बात नहीं करते, हमारे बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, तो इसलिए हमने 2 करोड़ रुपए का नोटिस हाईकोर्ट से जारी कराया है। जब तक इन्हें इसमें पेनल्टी या सज़ा नहीं होती, तब तक हम ये केस लड़ेंगे। मेरा कहना था, जो उसमें वीडियो था, वीडियो प्ले करिए ना, क्या है वीडियो में देखना था, क्यों आपको आपको उसने ऐसा कहा? उस बात को लेकर ऐसा क्या था जिसको नोटिस करके वीडियो प्ले करके बताइए क्या है? नहीं, वीडियो लॉकडाउन का वीडियो है जिसपे सरकार, वही जानना चाह रहा हूँ, उन्होंने आपको क्यों कहा ऐसा? क्यों कहा? हाँ। क्या बयान था? आप क्या बयान था आपका? वो बयान ऐसा क्या था उस वीडियो के? आपको मैं एक चीज बता दूं, जो वीडियो है ये अलग वीडियो है। इसका किसी, आप किसी की वीडियो पे किसी को भू माफिया, अपराधी, गैंगस्टर नहीं कह सकते। किसी का कोई भी वीडियो है, किसी को कोई अधिकार नहीं है। ये माननीय न्यायालय तय करेगी कौन अपराधी है, कौन गैंगस्टर है, कौन भू माफिया। हम ये चाहते हैं कि वो हमारी जो मानहानि हुई है उसके लिए जनता में आके माफ़ी मांगे, और आगे से वो किसी के लिए कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे किसी का दिल दुखे, जिससे किसी के मान सम्मान को ठेस पहुँचे, वरना इनको माननीय न्यायालय द्वारा जेल भेजने का काम किया जाएगा। ये मुझे अपने न्यायालय पर पूर्ण विश्वास है, और आगे से ये ऐसी हरकत नहीं करेंगे, मुझे माननीय न्यायालय पर पूरा भरोसा है। ऐसा भू माफिया क्यों कहा, क्या ये तो कोर्ट में बताएंगे वो। ये मेरा सवाल ये नहीं है, वो इस बात को कोर्ट में बताएंगे उन्होंने मुझे भू माफिया क्यों कहा। मैं भू माफिया की सूची में हुई नहीं, क्यों का तो सवाल ही नहीं है, ये तो ट्रायल का मैटर है कोर्ट का, क्यों कहा, कैसे कहा, किस लिए कहा। लेकिन वो नहीं कह सकते, हम एक समृद्ध व्यक्ति हैं, हमारा मान सम्मान है अपने क्षेत्र में, हमारे बारे में वो नहीं बोल सकते। उनका इतना वो नहीं है कि वो कुछ भी किसी को बोल देंगे उठा। आप एक मामले में जेल गए थे अमरवा जनपद से, क्या प्रकरण था सर? वो प्रकरण कुछ नहीं था, हम लोगों को सेवा कर रहे थे, योगी जी ने उसमें बस चलाई हमारे कहने से। इनके जो मंत्री थे सब घरों में कपड़े धुल रहे थे, इनके MLA MP सब घरों में थे, हम सड़कों पे उतरे, कांग्रेस सड़कों पे उतरी, राशन बांटा, मदद की लोगों की, ये कह रहे थे घर घर खाना बांट रहे हैं। उसी प्रकरण में हमें देशद्रोह का केस लगा के जेल भेज दिया गया था, 1.5 महीने बाद हमारी बेल हो गई थी। एक बयान और था,
क्या प्रधानमंत्री योगी मुख्यमंत्री के लिए जहरीला सांप ले रहे हैं, कई उसी बात को तो लेकर के कुमार विश्वासनाथ आपके ऊपर। देखिए जो बयान है वो एक केस उस पर रजिस्टर्ड हो गया है, वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में मेरी हेयरिंग उसको लेके चल रही है, तो वो तो कोर्ट तय करेगा कि मेरा बयान सही था या गलत था। अगर मैं इसमें फ्री हो जाऊंगा तो इसका मतलब मैं सही था जो भी मैंने बोला है, वरना मुझे सजा हो जाएगी, फांसी हो जाएगी अगर मैं गलत होऊंगा। ये माननीय न्यायालय का मामला है, हमारा और आपका नहीं।